सुजारा बांध की नहर को लेकर अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही आई सामने। जैसा कि हम आपको बता दें, टीकमगढ़ जिले से सुजारा बांध की नहर कई तहसीलों में पहुंच चुकी है, लेकिन सुजारा बांध के अधिकारियों पर जब सवाल खड़े होने लगे तब पाया गया कि नहर करीब 10 फीट नीचे गहराई में होते हुए भी उसमें कई कनेक्शन पाए गए। कनेक्शनधारी का आरोप है कि हम लोगों से 20-20 हजार रुपये ले लिए गए और बोल दिया गया कि आपका साल भर के लिए कनेक्शन कर दिए गए। और कनेक्शनधारी ने बताया है कि नहर विभाग का ही कोई कर्मचारी मिला हुआ है। जब इसकी सूचना पुलिस विभाग को लगी, थाना बमोरी कला की पुलिस अधिकारी और नहर के कुछ अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचे और जेसीबी मंगाकर गड़ों को खोदा गया तो उसमें कनेक्शन पाए गई और खेत वाले कोई भी वहां पर नहीं मौजूद मिला, सिर्फ कुछ महिलाएं मिली। तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हमने 20 हजार रुपये कर्जा लेकर दिए थे। अब तो यह एक जाँच का विषय बन गया कि आखिर इतना बड़ा काम बगैर नहर के अधिकारियों की कौन कर सकता है। नहर के अधिकारियों का कहना है कि हमको इसमें कोई जानकारी नहीं थी। 3 दिन पहले जब हमको जानकारी मिली तो हमने थाना बमोरी कला पुलिस विभाग को सूचित किया, तब आज पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। मौके से 500 फीट करीब पाइपलाइन जब्त की और दूसरी जगह से भी कनेक्शन और पाइप जब्त किया। अब देखना है कि खबर के चलते क्या कार्रवाई होती है और किस पर कार्रवाई होती है। न्यूज जतारा चैनल से राम सिंह यादव की रिपोर्ट। कहाँ की हो आप? हम टीकमगढ़ जिला की। नहीं नहीं, कौन से गांव की हो? यहाँ पर कौन से गांव? यहाँ को अभी आए हैं हम 5 साल से। अच्छा। नहीं तो कहाँ पे रह रही हैं आप? यही यही खेत ही पे रह रहे थे। अच्छा, ये खेत का? हाँ, ये खेत तो उत्तर प्रदेश हो रहा है ना कहीं है। अच्छा, तो गाँव हम तो खेत पे रह रहे हैं। वो खेती कहाँ है, कौन से गाँव? ये जो वन सजारा इसकी कनेक्शन दिए थे किसी ने, के आपने के? जी, अधिकारी लोगों ने दिए थे हमने। अच्छा, आप जानती नहीं हो कौन से अधिकारी ने? हाँ, कौन से अधिकारी ने दिए थे? जी हम आप नंबर लेके बताएंगे हम। अच्छा, कितने पैसे लिए थे? 20 हजार। अच्छा, 20 हजार रूप में दिए हमने बस आप। अच्छा, हमसे तो कनेक्शन कराया, हमने पैसे नहीं दिए सर, हमने तो फीस के रूप में दिए। फीस? आपको रसीद दी कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया आपने? 20 हजार रूपए दिए? आप जानती हैं उस अधिकारी को किसने लिए? जी सर, हम फोन नंबर से बताएंगे। अच्छा, नंबर है आपके पास उनका? हाँ, अब वो करेंगे सर। नहीं, नंबर है आपके पास उनका? आपको बता दिया था उस दिन सर आए थे, आपने नंबर नंबर सब कुछ दे दिए थे। हाँ, तो नाम नहीं बताया था उन्होंने? जी बताया था, सब कुछ बता दिया, उन सर को दे दिए थे नंबर है और उनको सब कुछ दे दिए थे। चलो, उन सर से भी बात करते हैं। मंतेश। अच्छा, आपके पास जो इन लोगों ने नंबर दिया था, किसका नंबर था वो? नंबर में एक पलेरा का कोई मुंबई लड़का था, आसिफ बता रहा था अपना नाम। अच्छा, जबकि उसका नाम आसिफ नहीं है, कोई दूसरा नाम है। नहीं तो वो हमें सूचना मिली थी कि कुछ हमें अपने अटाइली के लोगों ने बताया था कि यहाँ अवैध कनेक्शन हुए हैं। एमपी का पानी यूपी में जा रहा था, इसमें हम लोगों ने जानकारी ली। 20 हजार लेके कनेक्शन दिया तो आपके विभाग का है? नहीं, हमारे विभाग का कोई आपसे विभाग ने हमें इसकी जानकारी दी। नहीं तो सर, आप अगर किसी ने झूठ बोल के किया हो कि हम विभाग के आदमी हैं वो कनेक्शन कर दें, तो ऐसा हमारे यहाँ कोई स्टाफ का कोई आदमी नहीं। नहीं नहीं सर, आप एक बात बताइए कि जैसे आपको पता नहीं है कैसे कनेक्शन हो गया, आपको पता नहीं है इस बारे में? हमें जब संज्ञान में आया हमने सीधी कार्रवाई करवाई। अच्छा, कब संज्ञान में आया? हमें 3 दिन पहले मिला ये जानकारी। हमारे ये जो अपना BT3DY3 का 1400 वाला बाल्ब है, यहाँ एक आदमी बाल्ब बंद करके रखा था, हम लोग आए थे निरीक्षण करने के लिए। उसने बताया कि यहाँ अवैध कनेक्शन है, यूपी में पानी जा रहा है, क्योंकि ये परियोजना हमारी मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। अच्छा, समझ में आया। फिर हम लोगों ने इनसे जानकारी ली तो उन लोगों को भी नाम कंफर्म नहीं पता, ये लोग बस यही बोल रहे हैं कि विभाग का कोई है, जबकि हमारे विभाग का ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर विभाग का कोई आदमी होता तो हम लोग यहाँ कार्रवाई नहीं करा रहे होते। अच्छा, अभी कितने कनेक्शन हुए यहाँ पर? अभी ये जानकारी नहीं है, अभी 2-3 कनेक्शन के नाम आए थे जो हम लोग कार्रवाई करा के हटाए। अच्छा, जितने अच्छा, सारे कनेक्शन आज हटे। हम ये पूछ रहे सर आपसे कि जैसे आपका विभाग का नहीं है तो ऐसे हालात भी कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं विभाग। अच्छा, बोल के कोई अगर आप ही यहाँ विभाग का बोल देंगे, विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हो, कनेक्शन कर दें, थोड़ी जागरूकता हमारे किसान बंधुओं को भी रखनी चाहिए। अच्छा, कि अगर कोई विभाग का आदमी आता है तो भाई आई कार्ड देखे कि हम विभाग के आदमी है कनेक्शन, और कोई भी विभाग अवैध कनेक्शन की आपको परमिशन क्यों देगा? आपको परमिशन चाहिए, आप हमारे 500 बल्दीवाड ऑफिस आइए, राइटिंग में दीजिए आवेदन। अगर हमारे कमांड एरिया में होगा, हमारे SDO साहब, हमारे कार्यपालक यंत्री साहब उसको आदेश करेंगे, हम लोग कनेक्शन देंगे। चलो, अवैध रूप से कनेक्शन गलत। वीर सिंह हूँ मैं, यहाँ बांसबाजार में अमीन की तरह पोस्ट पे पदस्थ हूँ फिलहाल में, और
बताइए क्या जानकारी। ये अवैध कनेक्शन ये अभी जो उखाड़े जा रहे हैं वो इसके इसमें आपको संज्ञान में है क्या? नहीं संज्ञान में नहीं है। क्या है कि जैसे ही हम लोगों की योजना चालू हुई थी पानी देने का, हम लोगों का सीजन चालू हुआ था रवि इरीगेशन का, तो हम लोग जगह जगह पे फोन लगा के पूछ रहे थे, सर्वे चल रहा था कि पानी आप तक पहुंचा कि नहीं। तो हम लोगों को कई बार यहाँ पे शिकायत आ रही थी कि साहब यहाँ पे अभी भी पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी अभी भी नहीं आया है। तो फिर हम लोगों के उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए कंपनियों को कि फील्ड पे जाके देखें क्या कारण है, क्या वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा है इधर पे। तो फिर फील्ड पे आने के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे कुछ अवैध कनेक्शन की शिकायतें वगैरह भी मिली। तो बस शिकायत यह भी मिली, तत्काल हम लोगों की टीम के जरिए प्रभाव में आया गया है और अवैध कनेक्शन हटाया जा रहा है। अब वो तो विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी होगी वो उच्च अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो आपके विभाग का नहीं है जिसने जी कनेक्शन किए? नहीं विभाग का नहीं है। अच्छा हम लोगों को तो यही